आ गई हमारी लाडू हमारी प्रिंसेस। नया नहीं पहनते बेटा, बहुत गर्मी हो रही है, देखो सब पुराना। हाँ ठंडी नहीं पहनते। ये है मेरा स्पेशल कटर, चिल्ली कट करने वाला है। नहीं हम यूज नहीं करते हैं तो हमको अभी उतना आइडिया इसका नहीं है। ये ऐसे पड़ा है, चोर बाजार का नहीं है, नहीं मैंने मार्केट से लिया था फ्राइडे और इसको मैंने अभी कभी यूज ही नहीं किया है। ऐसे जब हम बर्तन कोई निकालते हैं तो ये एक बार टच होके ये हमको जरूर दर्शन देने आता है, तो जब बाहर आ गया भी उसको रखते हैं। दोस्तों आँख में बहुत तेल लग रहा है, मीन्स राई का तेल डाला है ना खाना बनाने के लिए। और भी है दूसरा, दो और कौन और भी देखो, अलग अलग कंपनी का है। हाँ ये दिखाओ तो, ये डाल के जरा देखती हूँ मैं। ये कौन सा है? ये बादशाह नाम से ही है, काम से भी है। चैनल में कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और 3 दिन से थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था, रहता है किसी के ज़िंदगी में और किसी की लाइफ में, बट आज बहुत आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और बस आप सब अपना साथ और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं, जो लोग नए मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट्स करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। गर्मी तो बहुत है दोस्तों, बहुत गर्मी है और मेरे लाडो के पीछे इतना चिल्लाना पड़ता है, उसको बहुत शौक है नए नए ड्रेस अब रोज नया नया ड्रेस पहनने का। और वो भी कैसा हम मौसम के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए हर इंसान को, तो गर्मी में जितना पुराना है, जितना कॉटन का, जितना घिसा पीटा है वो कपड़ा पहनो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा आरामदायक होता है। मेरी लाडो को तो नहीं, कोई भी कपड़ा रहने दो, इवन विंटर का भी कपड़ा वो इस टाइम पे पहनती है और पहन लेती है। हम लोग इतना चिल्लाएंगे, हम लोग उसके पीछे पीछे नहीं, ये मत पहनो वो मत पहनो, नहीं मुझे यही पहनना। और उसको पता नहीं कहाँ से शौक चढ़ा है, अभी पहले ऐसा नहीं था, उसको फुल पैंट पहनना है, फुल ट्राउजर या जो भी पहनना है फुल पहनना है, हाफ उसको नहीं पहनना है। वो पता नहीं कहाँ से ये आया है, इतना रोती है अगर हम लोग जबरदस्ती ज़्यादा करते हैं, नहीं तुम ये पहनो बहुत गर्मी है, अभी तुम बहुत छोटी हो, नहीं
मुझे नहीं पहनना है, मेरा घुटना दिखता है, मेरा पैर दिख, पता नहीं कहाँ से ये सब उसके मन में ये सब ख्याल आए हैं। हाँ भैया से टी शर्ट पुराना वाला ले लो। नहीं नया नहीं पहनते, बहुत गर्मी है और अभी भी वो नया पहनने की जिद कर रही है, मुझे नया पहनना है। उसके साथ जो एक शर्ट है थोड़ा मिक्स, क्योंकि अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं, वो मिक्स कपड़ा है, तो उसको वो पहन के आई, तो मैंने उसको वापस किया कि ये निकालो, कोई पुराना टी शर्ट पहनो कॉटन का। तो वापस से आई बोल रही मम्मी मुझे ना न्यू कपड़ा पहनना है अभी। वो वही बस यही है, और बस काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बस अपना साथ और सपोर्ट प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बस चेहरे पे रख के स्माइल कर दीजिए सब्सक्राइब, और बस सब बहुत अच्छा है। और हमारा खाना जो है, थोड़ा खाना मैंने पहले ही बना लिया था, थोड़ा अभी बाकी है जो कि अभी बना रहे हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी सुबह। जल्दी मीन्स कुछ 7 बज रहा था, 7 बजे मीन्स उठ गई मैं, तो पता नहीं बोली ना कि 2-3 दिन से थोड़ा मुझे ठीक नहीं था, तो उस वजह से थोड़ा जल्दी उठी, तो मैं थोड़ा उसी टाइम कर ली, जल्दी कर ली। और इतनी गर्मी है ना कि ऐसा लगता है ना कि मतलब नहाना बेनहाना सब एक ही है, लेकिन क्या करें, अभी सब मौसम है तो सब मौसम के हिसाब से रहना पड़ेगा। और ये आ गई हमारी लाडो, हमारी प्रिंसेस। नया नहीं पहनते बेटा, बहुत गर्मी हो रही है, देखो हम सब पुराना। हाँ ठंडी में पहनते हैं फुल कपड़ा सब अलग अलग, अभी इस टाइम पे पुराना कपड़ा पहनो, बहुत गर्मी है। ये सब भैया का पुराना कपड़ा है, 2 साल पुराना कपड़ा है ये दोनों। नहीं ये नहीं, ये तो कुछ 3-4 महीने हो गए इसको। चलो 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 पुराना पहनो, पहन चलो चलो। दोस्तों आप कितना भी बोलिए आपकी नहीं ठीक है, लेकिन चेहरे से, हर इंसान के चेहरे से पता चलता है कि क्या है, हेल्थ कैसा है। पता नहीं मुझे, मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ तो कितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ बात करने का, हंसने का, लेकिन वो एक वीकनेस जो है वो चेहरे पे दिख रहा है, कमजोरी, जो कि 3 दिन से मैं ऐसे ही तबीयत। तो बना खाना, हाँ हो गया, बस देती हूँ, चलो क्या बात करनी, बोलो। अरे 4-5 महीने हो गए, पुराना थाईलैंड का कपड़ा, पुराना मम्मा ने थाईलैंड का नायलॉन। हां तो कह रहा कि नया है मेरा स्मार्ट लेस। ये थाईलैंड उधर देखो क्या सब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो, सब लोग पूछ रहे हैं कैसे हो। ठीक हूं, बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा फिर जो है। नहीं बड़ा होने दो, फिर आप एडिट करोगे तो मस्त। एडिट करने के टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत, फिर कभी कभी ध्यान उसमें है और ये लोग उस टाइम पे कुछ आपस में ही, इन लोगों का नोकझोंक चालू है, किसी भी चीज को लेके कुछ चालू, तो उस टाइम पे बहुत गुस्सा भी आ जाता है मुझे। अभी कल ही की बात है जो कि एडिट करने के टाइम मुझे लगा है दोनों लोग मार खाए, दोनों को भगा भी दे दो, मेरा है, ऐसा नहीं बोला, मेरा घर है भाग यहाँ से, ऐसा भी नहीं बोला मन में, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और मैं एडिट कर रही थी बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से कर रही थी कि मुझे करना है ऐसे, और ये लोग अपना जो है कुछ ज्यादा ही कर रहे थे, मैं कब से इग्नोर कर रही थी, कुछ ज्यादा ही कर रहे थे, तो मैंने दोनों लोग को साथ में मारा और दोनों लोग को साथ में जो है रूम से निकाला, मैं बोली जाओ दूसरे रूम में बैठो, यहाँ आना नहीं है। तो फिर थोड़ा टाइम बाद जब गुस्सा में बोलती है ना, तो फिर ऐसा कोमल नहीं बोलती है, भाग जाओ से पहले, तो तुम भाग जाओ से, आपका तो दिमाग ये। फिर जो है हस्बैंड गए, फिर इन लोगों को धीरे धीरे लेके आए, नहीं चलो अंदर बहुत गर्मी है, ये चला, ये लोग को वापस लेके आए, मैंने वापस से भगाया, यहाँ कोई नहीं रहेगा, ये रूम में सिर्फ मैं रहूंगी, तुम लोग जाओ उसमें। फिर थोड़ा टाइम बाद वापस ये लोग आए, ये लोग भी वही है, मीन्स कितना भी करो लेकिन दोस्तों, चलो, दोस्तों, चलो, दोस्तों, चलो, चलो, दोस्तों प्यार से मम्मी फिर बातें कर रही, प्यार से खेल रही, तो प्यार से बातें करती है, और मेरे साथ तो बहुत स्वीटनेस से खेल रही है, स्वीटनेस से दो थप्पड़ मारती गुस्से में, फिर उठती है, फिर सैंडविच में पानी डाल के ना लिप पोत होती है।
ये लोग आएंगे तो फिर ये खत्म होने वाला नहीं है और ये बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। हाँ। फिर एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। बस आप सब प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए और आप सब जो है अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए क्योंकि आपके साथ की बहुत जरूरत है। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में।